नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। जुलाई अगस्त सितंबर महीने की पेंशन के साथ साथ ही 3,000 रुपये, 4,000 रुपये और 6,000 रुपये रुकी पेंशन भी सरकार द्वारा ट्रांसफ़र लाभार्थियों के कर दी गई है और इसकी सूची वर्ष 2023 के अंतर्गत न्यू सूची पेंशन की न्यू लिस्ट भी जारी हो गई है, रिलीज्ड कर दी गई है। अब किन लाभार्थियों को कितने पेंशन राशि दी गई है, 6,000 रुपये किन को मिले हैं और 4,000 रुपये किन लाभार्थियों को दिए गए हैं और 3,000 रुपये सरकार ने किन पेंशनर्स को दिए हैं, इसका हम आपको एक प्रूफ भी दिखाने वाले हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं, आपको प्रूफ भी दिखा देते हैं और आप अपनी पेंशन लिस्ट में अपना नाम कैसे देख सकते हैं। जिन व्यक्तियों का नाम पेंशन सूची में होगा, पेंशन लिस्ट में होगा, उन्हीं पेंशन धारकों को अक्टूबर और नवंबर दिसंबर महीने की पेंशन यानी कि 3 महीने की 3,000 रुपये आसानी से किस्त प्राप्त हो जाएगी। तो इसलिए आप लिस्ट में अपना नाम कैसे देख सकते हैं, आपका नाम इस लिस्ट में शामिल है या फिर नहीं, संपूर्ण जानकारी स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने जा रही है। जैसे हमने अपने मोबाइल फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र को ओपन किया हुआ है, सबसे पहले आपको भी इसी प्रकार से ओपन कर लेना है। यहाँ पर ओपन करने के बाद आपको लिखना है यूपी पेंशन। यूपी पेंशन हमने यहाँ पर लिख दिया है और हम इसको यहाँ पर सीधा सर्च कर लेते हैं। यूपी पेंशन लिखकर आपको भी सर्च करना है और राज्य सरकार का जो पेंशन पोर्टल है इस पर आपको क्लिक करना है। ध्यान से देखिए, यूपी पेंशन स्कीम, इस पर हम सीधा क्लिक कर लेते हैं। क्लिक होने के बाद हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का फोटो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और उसके बाद यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रधानमंत्री जी का फोटो, मोदी जी का फोटो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा मिलेगा नवीनतम अपडेट और समाचार। जितने वृद्धावस्था पेंशन धारक है योजना के विषय पर क्लिक करके लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं। और यदि कोई निराश्रित महिला, देखिए निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत उन महिलाओं को शामिल किया गया है जो विधवा है, तलाकशुदा है और जिनकी 30 वर्ष से ज़्यादा उम्र हो चुकी है, शादी नहीं हुई है, तो उनकी यदि पेंशन बनी है तो उनको भी यहाँ पर निराश्रित महिला के अंतर्गत शामिल किया गया है। और दिव्यांग व्यक्ति के अंतर्गत उन व्यक्तियों को शामिल किया गया है जो दिव्यांग व्यक्ति है और कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक है, उनको यहाँ पर योजना के विषय पर क्लिक करना है। हम आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझा रहे हैं, सभी के नीचे योजना के विषय पर लिखा हुआ है तो हम सीधा क्लिक कर लेते हैं यहाँ पर योजना के विषय पर। क्लिक हमने किया और हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं निराश्रित महिला पेंशन और उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद देखिए लिखा है पेंशनर सूची। देखिए वर्ष 2023 चल रहा है तो आपको क्लिक करना है वर्ष 2023-24 पर। इसमें ही आपको लेटेस्ट पेंशन सूची जो सरकार द्वारा जारी की गई है, न्यू पेंशन लिस्ट, वह आपको देखने को मिल जाएगी। कैसे आप न्यू पेंशन लिस्ट देख सकते हैं, तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर पहले क्वार्टर की पेंशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी इस वाले कॉलम में। यहाँ पर आप कॉलम देख सकते हैं इस वाले कॉलम में, लेकिन यानी कि जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने की पेंशन आज से इस क्वार्टर 2 में आपको देखने को मिलेगी। अब कैसे देखा जाता है, सबसे पहले यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और आप भी आपकी पेंशन बनी हुई है तो आपको सबसे पहले अपने ज़िले का चुनाव करना है जिस ज़िले के आप निवासी हैं। तो हम यहाँ पर किसी एक का चुनाव कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम किसी एक का चुनाव कर लेते हैं, आपको उसका चुनाव करना है जिस ज़िले के आप निवासी हैं। चुनाव होने के बाद जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के पेंशन धारक हैं उन्हें यहाँ से अपना विकास खंड का चुनाव करना होगा, लेकिन जो शहर में रहने वाले व्यक्ति हैं पेंशन धारक हैं
तुम्हें यहाँ से उन्हें अपना नगर निकाय का चुनाव करना होगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, तुम्हें यहाँ से उनको अपना नगर निकाय का चुनाव करना होगा। तो हम यहाँ पर किसी एक विकास खंड का चुनाव कर लेते हैं। देखिए हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं किसी एक विकास खंड पर। तो जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने अगला पेज ओपन हो जाएगा। देखिए दिख रहा है आपको। अब यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पर इस विकास खंड में जितनी ग्राम पंचायत है पूरी लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी। इसमें से अब आपको अपना ग्राम पंचायत का चुनाव करना होगा। जो आपका ग्राम पंचायत है यहाँ पर आपको उसका चुनाव करना होगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर किसी एक विकास खंड का चुनाव कर लेते हैं। देखें यहाँ पर हम किसी एक विकास खंड का चुनाव कर लेते हैं। अब चुनाव होने के बाद हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। अब इसमें से देखिए यहाँ पर एक ही गांव इस ग्राम पंचायत में है। तो देखिए यदि आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए यदि आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे अप्रैल मई और जून की पेंशन 3,000 रुपये वाली आपको मिली है नहीं, इस क्वार्टर में आप क्लिक करके पता कर सकते हैं। यदि आपको अप्रैल मई जून की पेंशन मिल चुकी है तो आपको अब क्वार्टर टू में देखनी है। क्वार्टर टू में पेंशन आपको देखने को मिलेगी जुलाई अगस्त और सितंबर महीने की। तो यहाँ पर आपको इस क्वार्टर टू में यहाँ पर क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर क्वार्टर वन है, ये क्वार्टर टू है, ये क्वार्टर थर्ड है, ये क्वार्टर फोर्थ है, लेकिन क्वार्टर थर्ड की पेंशन अभी नहीं आई है, क्वार्टर फोर्थ की भी नहीं आई है। तो इसमें जो आपको क्लिक करना है वह करना है इस समय क्वार्टर टू में। और यहाँ पर जितने आपके गांव की पेंशन धारक है उनका यहाँ पर नंबर देखने को मिलेंगे। इस गांव में 32 पेंशन धारक है, तो हम इस 32 पर ही क्लिक कर लेते हैं 32 पर। अब क्लिक होने के बाद हमारे सामने देखिए अगला पेज ओपन होने जा रहा है। अगला पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ से ही लिस्ट में आप अपना नाम इस प्रकार से देख पाएंगे। बहुतों के मन में यहाँ पर सवाल चल रहा था कि हम अपनी पेंशन लिस्ट कैसे देख सकते हैं, लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे देखा जाता है। तो सभी पेंशन धारकों का यहाँ पर सवाल था वह समाप्त होने जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले यहाँ पर पेंशन धारक का रजिस्ट्रेशन संख्या आपको देखने को मिल जाएगी। यह एक बहुत महत्वपूर्ण रजिस्ट्रेशन संख्या होती है पेंशन धारक की। यदि आपके याद नहीं है तो आप यहां से नोट डाउन कर सकते हैं। कैसे समझेंगे तरीका हम आपको बताने वाले हैं। देखिए सबसे पहले मान लीजिए ये आपका नाम है, पेंशन धारक का नाम इस कॉलम में देखने को मिलेगा, उनकी रजिस्ट्रेशन संख्या, पिताजी का नाम, महिला है या पुरुष है, कितनी उम्र है, जनरल ओबीसी माइनॉरिटी किस कैटेगरी में आते हैं, मोबाइल नंबर यदि दिया हुआ है, पेंशन धारक का एड्रेस यदि दिया हुआ है। उसके बाद यहां पर धनराशि देखिए 4,000 रुपये इन लाभार्थियों को दिए गए हैं, 6,000 रुपये इन व्यक्तियों को मिले हैं और 3,000 रुपये इन पेंशन धारकों को दिए गए हैं। अब बैंक का नाम यहाँ पर दिया गया है, अकाउंट नंबर यहाँ पर दिया गया है और ट्रांजैक्शन स्थिति पेमेंट रिलीज्ड कर दी गई है। अब कैसे आप समझेंगे, देखिए मान लीजिए ये आपका नाम है, ये आपके पिताजी का एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको समझा रहे हैं, ये आप महिला या पुरुष है, उम्र जनरल ओबीसी माइनॉरिटी, मान लीजिए ये आपका यहाँ पर इस प्रकार से एड्रेस आ जाता है। तो सबसे पहले समझने के लिए अपना आपको अपना नाम देखना है, अपने पिताजी का नाम देखना है। जब आपको कन्फर्म हो जाएगा कि हाँ ये मेरी ही जानकारी है तो आपके नाम के सामने ये आपका पेंशन का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। तो ये आपको किसी कॉपी में लिख लेना है, नोट डाउन कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर प्रूफ के साथ हमने आपको दिखा दिया है कि जिसकी पेंशन रुक रही थी जितने महीने की उनको मिल चुकी है। इन लाभार्थियों को 4,000 रुपये दिए गए हैं और इन पेंशन धारकों को 6,000 रुपये पेंशन राशि दी गई है और यदि इन पेंशन धारकों को 3,000 रुपये दिए गए हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं इस समय जुलाई अगस्त सितंबर महीने की पेंशन लिस्ट वर्ष 2023 के अंतर्गत जारी की गई न्यू पेंशन लिस्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो जिन लाभार्थियों को जुलाई अगस्त सितंबर पेंशन राशि मिल चुकी है उन लाभार्थियों की जिनकी अप्रैल मई और जून की पेंशन राशि रुक रही थी 6 महीने के साथ साथ एक साथ लाभार्थियों को दी गई है। यहाँ पर आप 6,000 रुपये देख रहे हैं तो इन लाभार्थियों को अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर, देखिए 3 महीने ये और 3 महीने ये, इन लाभार्थियों को 6 महीने के सीधे 6,000 रुपये रुकी हुई पेंशन सरकार द्वारा ट्रांसफर कर दी गई है। आपकी पेंशन रुकी है और यदि आपकी सभी चीज़ें सही हैं, आपने अपने आवेदन फार्म की सभी गलतियां ठीक करा ली है, तो लेकिन आपको जुलाई अगस्त
सितंबर महीने की पेंशन राशि नहीं मिली तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। आपको जब आपकी बार अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने की पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाएगी, इसी के साथ ही आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने की भी पेंशन दे दी जाएगी। देखें यहाँ पर सरकार द्वारा रुकी हुई पेंशन दे दी जाती है लाभार्थियों को, ट्रांसफ़र की जाती है उनके बैंक खाते में, यहाँ पर आप प्रूफ देख सकते हैं। और यदि आप देखेंगे नीचे चलकर तो यहाँ पर ज़्यादातर 3,000 रुपये दिए गए हैं, क्योंकि ये पेंशन राशि है जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने की 3,000 रुपये। आप भली बात ही जानते होंगे इस राज्य में जो पेंशन राशि दी जा रही है 1,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से लाभार्थियों के बैंक खाते में सरकार ट्रांसफ़र करती है, 3 महीने की हो जाती है सीधे 3,000 रुपये। ये 3,000 रुपये लाभार्थियों को दिए जा रहे हैं पेंशन के। तो आप भी इसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं, आपका नाम इस लिस्ट में शामिल है या फिर नहीं है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, सभी सवाल का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सकें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।